पड़ोसन को रिबूट करेंगे संजय दत्त। आयुष्मान खुराना के साथ इस एक्टर की बन सकती है जोड़ी। लगातार सुपरहिट फिल्में दे रहे अभिनेता आयुष्मान खुराना पर अब फिल्म इंडस्ट्री के संजू बाबा यानी संजय दत्त की निगाहें भी अटक गई हैं। वह आयुष्मान को लेकर अपने पिता स्वर्गीय सुनील दत्त की एक फिल्म का रीमेक बनाना चाहते हैं। संजय ने इस फिल्म के रीमेक राइट्स भी अभी से खरीद लिए हैं ताकि उनकी फिल्म प्रस्थानम जैसी कोई समस्या दोबारा सामने न आए। अगले महीने रिलीज होने जा रही फिल्म प्रस्थानम के पोस्ट प्रोडक्शन में व्यस्त संजय दत्त पिछले काफी अरसे से दमदार कहानियां तलाश रहे हैं। मराठी में एक जबरदस्त कथानक वाली फिल्म बाबा भी उन्होंने बनाई है, जिसमें एक मूक बधिर दंपत्ति के बच्चे पर किसी दूसरे दंपत्ति के दावे की कहानी को बहुत ही मार्मिक तरीके से दर्शाया गया है। नई दमदार कहानियों के क्रम में ही संजय दत्त के करीबी मित्रों ने उन्हें उनके ही पिता की फिल्म पड़ोसन की रीमेक का आइडिया सुनाया। सुनील दत्त और महमूद की फिल्म पड़ोसन आज भी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की सबसे बेहतरीन कॉमेडी फिल्मों में गिनी जाती है। ज्योति स्वरूप निर्देशित और 1968 में रिलीज हुई यह फिल्म आज कल क्लासिक फिल्म मानी जाती है। संजय दत्त अपने नए नए स्थापित हुए प्रोडक्शन हाउस संजय दत्त फिल्म्स के बैनर तले पड़ोसन का रीमेक बनाने की सोच रहे हैं। सूत्रों की माने तो संजय दत्त फिल्म में किशोर कुमार का निभाया विद्यार्थी का किरदार खुद करने सोच रहे हैं और मशहूर अभिनेता डांस मास्टर गोविंदा को वे महमूद के किरदार के लिए कास्ट करने पर विचार कर रहे हैं। हालांकि संजू बाबा के पास एक और आइडिया है। फिल्म पड़ोसन की रीमेक बनाने के लिए संजय दत्त के पास एक प्लान बी भी है। अगर उनकी और गोविंदा को जोड़ी दोबारा न बन पाए तो संजय भी चाहते हैं कि फिल्म नए कलाकारों को लेकर बनाई जाए। इस क्रम वह यह भी सोच रहे हैं कि इस फिल्म की कहानी को एक खास ट्विस्ट दिया जाए, जिसमें यह कहानी एक गायक की जगह एक रैपर की हो और वे क्लासिकल संगीत सीखता नजर आए। और इस बदले हुए रूप के लिए वह आयुष्मान खुराना और राजकुमार राव को कास्ट करने की बात अपने करीबी मित्रों से कर चुके हैं।